मोनिका दीदी हैं। हाँ दीदी, हम आवत हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। चली बैठी कहीं ना दीदी, समूह के बैठक नीमन से होखता? हाँ दीदी, सब काम समय पर होखेला, चाहे समूह के बैठक हो चाहे रेफरेंस हो, सब काम समय पर होखेला। का समाचार बा दीदी? समाचार ठीक बानू। कौन काम से आयल बानी दीदी? अच्छा दीदी, पिछले साल खेती कद्दू के नहीं रगो कैले रही, लेकिन राउर उपज ज्यादा काहे भला, हमार उपज बहुत कम भइल। दीदी, हम बीज उपचार करके कद्दू के खेती कैले रहनी, यही से उपज ज्यादा भइल। अच्छा दीदी, हमरा कद्दू अभी रोपे के बा, बीज उपचार कैसे होई तनी हमरा के बता दी। कद्दू रोपे के तो समय आ गइल बा दीदी, रउआ ठीक समय पर आयल बानी। बीज ले आके रखले बानी, हमरो उपचार करके रोपे के बा। आज हम उपचार करेम, रउओ देख ली। अच्छा, हम बहुत समय से आ गइल बानी। हाँ दीदी। दीदी हमरा के बता दी कैसे उपचार करे के बा। दीदी, हम सब सामग्री घर से लेके आवत बानी, रउआ बैठी। दीदी, बीज उपचार करे खातिर इतना सामग्री सब लागी। देखी दीदी, 2 कट्ठा खेत में 10 ग्राम कद्दू के बीज लागेला। ये कद्दू के बीज बा, देखी। हाइड बीज बा दीदी कि लोकल बीज बा? ई लोकल बीज बा दीदी। लोकल बीज 10 ग्राम लग जाई? हाँ दीदी। दीदी, 5 ग्राम इमें मीठा लागी। अच्छा, 5 ग्राम मीठो लागी दीदी? हाँ दीदी। दीदी, केचुआ खाद इहो 5 ग्राम में मिलागी। अच्छा दीदी, डिब्बा में गौमूत्र बा, 5 ml एमे रखाई। अच्छा दीदी। दीदी, एमे 25 ग्राम सुसुम पानी के भी जरूरत होखेला। दीदी, एक कटोरी में बीजा अमृत बा, एकरो जरूरत पड़ेला एमे। अच्छा दीदी, इतना सामग्री का जरूरत पड़ी बीज उपचार में? हाँ दीदी। दीदी, सूती कपड़ा के भी जरूरत पड़ी ये में। ठीक बा दीदी, सब सामग्री हम समझ गई नी। और उपचार कैसे हुई और बताई? दीदी, अभी हम बतावत हैं। दीदी, सबसे पहले सुसुम पानी में बीज डालत हैं। सुसुम पानी में काहेला बीज डालनी है दीदी? दीदी, बीज पहले से सोयल अवस्था में रहेला, यही से सुसुम पानी में डालला से बीज जल्दी जग जाला। दीदी, एमे जोन खराब बीज बा ओकरा के हम छान के अलग हटा देतानी। दीदी, अब एमे हम मीठा डालतानी। मीठा काहेला डालनी है दीदी? दीदी, मीठा डाले से एकर पोषक तत्व के पूर्ति होखेला। दीदी, एमे गौमूत्र डालतानी। अच्छा दीदी, गौमूत्र काहे डालनी है? दीदी, गौमूत्र डाले से पौधा रोग मुक्त रहेला और उमे फफूंदी ना लागेला। दीदी, ई केचुआ खाद बा, एमे डालतानी। केचुआ खाद डालला से बीज के बनल बनावल भोजन के पूर्ति होखेला। दीदी, एकरा के 24 घंटा तक हम फूले के छोड़ देम ताकि बीज के अंकुरण ज्यादा होई। ठीक बा दीदी, हम 24 घंटा के बाद रउआ से भेंट करेम। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। 24 घंटा हो गल दीदी, आगे बीज उपचार कैसे हुई बताई? दीदी, चली बैठी हम रोगा के बीज के लिए आके बताओ। तो दीदी, हम एक के छान लेते नहीं। दीदी, एक के थोड़ा देर खाती बढ़ाए खाती हम छोड़ देते नहीं। दीदी, अब भी बड़ा गए, अब इमें बीजामृत मिलावत नहीं। दीदी, 24 घंटा तक एकरा के अंकुरित होए खाती एकरा के छायादार जगह पर रखे, तब ये बीज बोए खाती तैयार हो जाए। अच्छा दीदी, बीज उपचार करे के तो बता देनी, लेकिन उसे लाभ का हुई वो बता दी। दीदी, बीज उपचार कैला से बीज के अंकुरण जल्दी होखेला और रोग मुक्त भी रहेला, उपज भी ज्यादा होखेला और बाजार में बिके में तो आमदनी भी ज्यादा हुई। दी, किसान भैया दीदी खातिर कोनो संदेशो देवे के बा? हाँ दीदी, हम जरूर दे।
सब किसान दीदी भैया से हमार अनुरोध बा कि कद्दू के बीज उपचार करके खेत में लगाई और अधिक उपज पाई, यही हमार अनुरोध। बीज उपचार बताए खातिर दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी रहो बहुत बहुत धन्यवाद।